स्वागत है आपका मेरे ए एम एजुकेशन चैनल के ऊपर आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल यूनिट सेवन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मनी एंड बैंकिंग अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप जाके चेक कर लेना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें बेलाइकन प्रेस कर ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट डिमांड मीनिंग टोटल प्लैंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस इन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है जो हमारी टोटल प्लैंड एक्सपेंडिचर होते हैं गुड्स एंड सर्विस के इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर इसके कंपोनेट क्या होंगे कंजप्शन कंजप्शन डिनोट करेंगे हम सी से इन्वेस्टमेंट आई गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी नेट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम एम एंड सो एड इक्वलोर्ट माइनस एम इसके बाद है प्रपोर्चुनिटी टू कंज्यूम्पन कंज्यूम एवरेज प्रपोर्चुनिटी टू कंज्यूमर्स रेशियो ऑफ टोटल कंज्यम्पन टू टोटल इनकम जो हमारा रेशियो आएगा टोटल कंज्यम्शन का टू टोटल इनकम के रिलेटेड एवरेज प्रॉपोर्चुनिटी टू कंज्यूमर्स इक्वल्स टू जो हमारी रेशियो आएगा कंजन टू टोटल इनकम का इसके बाद मार्जिनल प्रपोर्चुनिटी टू कंज्यूम चेंज इन चेंज इन इनकम जो हमारा रेशियो आएगा चेंज इन कंजन का इनकम in के अंदर in देन है प्रोपोर्चुनिटी टू सेव मार्जिनल प्रोपोर्चुनिटी टू सेव रेशियो टू चेंज इन सेविंग टू चेंज ऑफ इनकम जो हमारा रेशियो आएगा चेंज इन सेविंग का सेव है तो सेविंग का जो रेशो आएगा और इनकम का जो रेशो आएगा तब हमारा निकल जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी टू सेव एंड एवरेज प्रपोर्चुनिटी टू सेव निकलेगा रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम जो हमारा टोटल सेविंग का टोटल इनकम का रेशियो आएगा वो होगा हमारा एवरेज प्रपोर्चुनिटी टू सेव नेक्स्ट टॉपिक वो प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशंस ऑफ डिमांड एंड मेजर्स जो हमारी प्रोब्लमिस्टिक सिचुएशंस होंगे डिमांड एंड मेजर्स की सबसे पहले एक्सिस डिमांड का मतलब क्या होता है इट रेफर्स टू अ सिचुएशंस इन विच एग्रीगेट डिमांड इज एन एक्सिस

जहां पर एग्रीगेट डिमांड डिफेक्टिव में आएगी एग्रीगेट सप्लाई के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आएंगी जो हमारी इनवॉल्ट्री अन्प्लॉयमेंट्स हैं प्राइस फ्लोज जो हमारे हो रहे हैं लोग आउट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं मेजर्स क्या लेंगे हम इसके अंदर चेंज इन गवर्नमेंट सेविंग्स जो गवर्नमेंट की जो सेविंग्स है उनके अंदर चेंज करें चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो हमारा अवेलेबल क्रेडिट है उसको चेंज करें चेंज इन क्वान्टिटिव इन्वेस्टमेंट्स लाइक बैंक रेट वगैरह उनको हम चेंज करें जो हमारी क्वान्टिटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एंड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके अंदर चेंज करें नेक्स्ट वो फुल एम्प्लॉयमेंट अनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट द इम्प्लॉयमेंट इज अचुएशन इन विच ऑल अवेलेबल रिसोर्स आर बींग यूज इन द मोस्ट इकोनॉमिक वेज फुल इंप्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा वो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जिसके अंदर जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका हम फुल्ली यूज कर पाए उसको बोलते हैं फुल इंप्लॉयमेंट अनवाली अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा इनवॉलेंट्री अन्प्लॉयमेंट अकर्स वैन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एट द प्रिविलिंग वेज बट इट इज अनएम्प्लॉयड जो एक ऐसा पर्सन जो अनवाली इम्प्लॉयमेंट अक्कर हो जब पर्सन विलिंग नहीं है काम करने के लिए वेजेस के लिए विलिंग नहीं है वो काम करना ही नहीं चाहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेशियो ऑफ चेंज और इन इनकम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा जो हमारा रेशियो आता है चेंज इन इनकम

हमारे पास पॉइंट ऑफ इक्लिबियम कब होगा जब हमारी जो एडी है एडी को कट करेगी कौन ए सी जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो कट कर रही है तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा पॉइंट ऑफ इक्लिबियम आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है माइंड मैप लर्निंग मेड सिंपल यूनिट सेवन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं किसी एक नई टॉपिक के साथ किसी एक नई वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो